ये गाइस अभी हम देखते हैं पेंट वॉल एरिया। आप देख सकते हो सुमन काफ़ी बड़ा बैग पकड़ते हुए, जो हम उसको हेल्प करेंगे गाइस। थोड़ा दे दो ये गाइस। चलिए देखते हैं आगे पेंट वॉल एरिया। गाइस यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि क्या करना क्या नहीं करना पेंट वॉल के बारे में, और पेंट वॉल एरिया शायद उधर है, उसके पीछे है। तो ये बॉटल शूटिंग एरिया है गाइस, ये हम बाद में ट्राई करेंगे। तो गाइस ये देखिए मस्त पेंट वॉल एरिया है, आपको इन डब्बों के पीछे छुपना है और एक दूसरों को मारना है। जो ज़्यादा किसी को मारता है वो विन होता है ना। तो गाइस काफ़ी बड़ा जगह है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए वह काफ़ी सारे लोग तैयार होते हुए। ये देखिए गाइस कितना अच्छा सा एक एंट्रेंस की तरह इन्होंने बनाया है, और सुमन पोज देते हुए, सुमन को जगह बहुत अच्छा लगा। तो गाइस लेफ्ट हैंड साइड में केव रेस्टोरेंट है, जो फ़िलहाल यूज़ में नहीं है क्योंकि लोग कम है। ये है पीछे मेरे, जो पीछे दिख रहा है आपको, ये है केव रेस्टोरेंट। ये देखिए गाइस छोटा सा ब्रिज है यहाँ पे। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले है पिकल बीटरूट, एंड देन ये है किमची सलाद, और ये है ग्रीन सलाद, एंड दिस इज पास्ता सलाद, कर्ड राइस, रायता, देन वी हैव बेबी कॉर्न मंचूरियन, वी हैव पनीर जलफ्रेजी, बैंगन का भुरता है, वेज नूडल्स, हम खुल के इसको ठंडा नहीं करेंगे, जीरा राइस, स्टीम्ड राइस, एंड देन वी हैव वेज सांबार एंड रसम। तो गाइस ये जो एरिया है ये कम्प्लीटली वेज एरिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे है गोंगूरा चिकन ड्राई, बहुत ही खुशबूदार, अच्छी खुशबू आ रही है। ये है एग मसाला, एंड ये आप देख सकते हो दिस इज़ चिकन अदरक की, ये मैं ज़रूर ट्राई करूँगा गाइस। चिकन बिरयानी बहुत खुशबू अच्छी आ रही है। ये है कस्टर्ड, ये बहुत फेवरेट है बच्चों का, गुलाब जामुन स्वीट में ज़ाफ़रानी राइस खीर। तो गाइस काफ़ी वैरायटीज़ है यहाँ पे। बाकी आपका नाम क्या? नवीन शर्मा। नवीन शर्मा आप क्या इंचार्ज हो यहाँ के? डब्ल्यू सर्विस से। वेज में ज़्यादा वैरायटी? हाँ वेज में ज़्यादा वैरायटी है गाइस, जो अच्छा है, और नॉन वेज में बस काफ़ी है, जितना चाहिए उतना है गाइस। ये जो चिकन अदरक की है एकदम ज़बरदस्त टेस्टी है, बिरयानी भी ज़बरदस्त टेस्ट है। तो गाइज़ मैंने अपना प्लेट रिफ़िल कर चुका हूँ, मुझे यहाँ का जो चिकन बिरयानी है बहुत पसंद आया, और उसके साथ चिकन अदरक की बहुत टेस्टी है गाइज़। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे अंडा भी है जो मैंने लिया है, और थोड़ा सा कस्टर्ड साथ में लिया हूँ, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। तो गाइज़ ऐसे बनाया जाता है लाइव काउंटर पर जलेबी, तो इसको 2 मिनट लगेगा। आप देख सकते हो ये तैयार होने के बाद दिखता है ऐसे। तो नवीन मैं फीडबैक देना चाहता हूँ कि आप लोगों का खाना जो है ना बहुत अच्छा है, आप अपने शेफ़ को भी बताइएगा कि जो बिरयानी था और जो चिकन अदरक प्लस सूप, ये सब तीनों बहुत मज़ा आया खा के, इसी में मेरा पेट भर गया। तो आप देख सकते हो गर्मा गर्म जलेबी। स्ट्रॉबेरी है सर? ये स्ट्रॉबेरी है गाइस, वनीला है सर, और ये वनीला है। तो ये आइसक्रीम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे बाहर भी बैठ सकते हो आप, रेस्टोरेंट जब आप यहाँ पे डे आउट आओगे या फिर स्टे करने के लिए आओगे तो आप खाना बाहर भी लेके आके बैठ सकते हो। आप देखिएगा कितना अच्छा सा व्यू है, बड़ी खूबसूरत सी जगह है, ठंडी सी हवा आ रही है। मैं और सुमन यहाँ पे खाना खा के रिलैक्स करते हुए, चलिए गाइस थोड़ा सा हम जाते हैं फूड काउंटर। आप देख सकते हो मेरे पीछे वहाँ पे एक फूड काउंटर है, हम आपको ले चलते हैं फूड काउंटर पे और देखते हैं कि फूड काउंटर कैसा है। काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं गाइस खाना खाने के लिए। अभी आलू टिक्की चाट बनाते हो? आपका नाम क्या? संजय। संजय, और यहाँ पे डोसा? मेरा तो पेट फुल हो चुका है तो मैं डोसा नहीं खा पाऊँगा, लेकिन मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगा, आपके हाथ का एक आलू टिक्की खाऊंगा, ठीक है ना? इनका पेट फुल हो चुका है, तुम तोड़ रही हो मैं जोड़ रहा हूँ। हाँ ये भी ठीक है, एक ही काफ़ी है यार। तो कुछ तेज़ मत डालना, डालोगे तो स्वीट ही कुछ डालना। आलू टिक्की में स्वीट ही रहता है क्या? ऐसा है क्या? देखो यार थोड़ा थोड़ा डाल दो यार। हाँ हाँ, तो क्या क्या डाले हो यार इसमें? इसमें स्वीट कर्ड है। हाँ हाँ स्वीट कर्ड, ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी डाले हो, ठीक है। इमली का चटनी, स्वीट चटनी, ओके, इमली का स्वीट चटनी, ऑनियन डाले हो, सेवियर डाले हो, डाले हो, ठीक है महेश, थैंक यू यार, टेस्ट करके मैं तुमको फीडबैक देता हूँ, ओके।
तो चलिए गाइज, अभी हम यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं अपना कैमरा। जबरदस्त है, एक नंबर गाइज, सुपर से बनाया है महेश ने। मजा आ गया। तो गाइज अभी मैं चलाने वाला हूँ ये वाला व्हीकल ATV। हाँ, ये पेड है तो आप इसको 200 रुपये देना पड़ेगा। 2 लैप या 2 राउंड चला सकते हो आप। एंड गाइज हर एक बात ये है कि यहाँ पे आपको कार्ड से पे करना पड़ेगा। यहाँ पे UPI, गूगल पे, फ़ोन पे चलता नहीं है क्योंकि नेटवर्क का इश्यू है। वाईफाई है गाइज लिमिटेड एरिया पे, फिर भी फ़ोन पे या गूगल पे नहीं चलता। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए अपना कार्ड या फिर कैश कैरी करना मत भूलिएगा। तो कड़कती धूप है गाइज, मैं लगाया हूँ सनस्क्रीन और वो भी पिघल चुका है, निकल चुका है गाइज गर्मी में, पसीने में। सुमन ने नहीं लगाया। तो गाइज ये है डॉर्मेट्री रूम, आपको मैं दिखाऊंगा अभी। हम जैसे ही खोलेंगे यहाँ पे लाइट ऑन कर रहे हैं। आपका नाम क्या? रोमेन। कहाँ से हो? आसाम से। तो गाइज ये है रोमेन आसाम से। तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे बहुत क्लीन सा रखा है इन्होंने। 1, 2, 3, 4, 5, 5+5 बेड, 10 बेड है गाइज। और यहाँ पे TV भी है, 2900 विद टैक्स। तो गाइज ये टैक्स के साथ 2900 रुपये पड़ेगा। 30,000 के आसपास गाइज ये आपको बुक करना पड़ेगा। इसके साथ आपको लंच फ्री, डिनर फ्री, प्लस ब्रेकफास्ट फ्री, प्लस जो गेम्स है और वेलकम ड्रिंक है और जो जो एक्टिविटीज़ है, कैंप फायर भी मिलेगा नाइट में। 8 मेंबर भी आ सकता है लेकिन मिनिमम 8 मेंबर रहना चाहिए। ऐसा एक दो आ गया तो अलो नहीं करता है। हाँ, टेंट दोगे? टेंट कहाँ लगाओगे? हाँ, जिनका बजट खाली टेंट का होता है तो वो टेंट लगाएगा। कहीं पे भी यहाँ पे टेंट लगाओगे, किसी को मेरे को वो जगह पसंद है तो वो जगह में डाल देते हो। टेंट के अंदर बेड वेड रहता है क्या? बेड रहता है, पिलो रहेगा। तो गाइज आपने सुन लिया होगा, इन्होंने कहा कि अगर आप नवंबर दिसंबर में आओगे तो काफ़ी ठंडी रहती है। ब्रेक है? हाँ, कोई भी ब्रेक मारेगा तो लग जाएगा। हाँ, और ये एक्सलेटर, ये एक्सलेटर इधर है। ओके, ये एक्सलेटर है, थोड़ा हार्ड रहता है नॉर्मल व्हीकल के जैसे नहीं। ओके, करना पड़ेगा। समझ गया। गाइज अभी हम चला रहे हैं ATV, तो मेरे लिए नया है गाइज ये, तो इसलिए थोड़ा सा धीरे चला रहा हूँ पहला राउंड। हेलो, गाड़ी ज़्यादा हिल रही है, डर लग रहा है कहीं कुछ टर्न ना हो जाए, लेकिन डर क्या कि जीत है और हम जीतने वालों में से है। गाइस हम ट्राई कर रहे हैं स्पीड चलाने के लिए लेकिन नहीं, मेरे पास हेलमेट नहीं है गाइस, तो इसलिए मैं धीरे से चला रहा हूँ। हो गया गाइस 2 राउंड हो गया, इतने पैसे में इतना मिलेगा। चलिए हो गया। ओके, थैंक यू।